मुरादाबाद जिले के सिविलाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर आज भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं। मंडल भर के तमाम किसानों के द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर डीएम मुरादाबाद से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सीधा इनसे जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं, किस लिए आज यहाँ हैं। आज भारतीय किसान यूनियन चडूनी के नेतृत्व में ये गुरुद्वारा ठाकुर गुरुद्वारा तहसील है, उसके 4-5 गाँव हैं जिनकी ज़मीन 1989 में पेपर मिल सेंचुरी पेपर मिल के लिए अधिग्रहण किया गया था और मात्र 3.25 करोड़ में ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। उसमें कोर्ट में भी किसान गए और उस दिन से लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उसमें कोर्ट ने तो किसान के पक्ष में ही जो आज तक फैसले आए हैं वो किसान के पक्ष में आए हैं, लेकिन जो हमारा जिला प्रशासन है वो बिरला ग्रुप के दबाव में, आज भी बिरला ग्रुप के दबाव में हैं और इनके दबाव में आकर किसानों पर FIR दर्ज कर दी थी। उन्हीं FIR के बारे में और किसानों को उनकी ज़मीन का जो उचित मुआवजा है भूमि अधिग्रहण बिल 2013 उसके अनुसार दोबारा ज़मीन का अधिग्रहण हो, इन चीज़ों को लेकर आज हमें ज्ञापन देना आए थे। किस अधिकारी से मुलाकात हुई? आज अधिकारी हैं एक ADM सिटी, लेकिन उनका व्यवहार इतना बढ़िया नहीं था। मतलब हमने उनसे बात कही, वो ज्ञापन के लिए आई तो उन्होंने कहा मैं बीच में नहीं आ, यहाँ मतलब मैं ज्ञापन आपका नहीं लूँगी, मैं किसी तस्दीन में उसमें जा रही हूँ। और उनको मुझे ऐसा लगा कि उनको किसान के पसीने में से बदबू आती है, किसान से वो बहुत दूरी रखना चाहती हैं, क्योंकि किसान आदमी तो देखो थोड़ा बदबू किसान का काम है, पशुपालन का, भैंस गाय गोखरी इनको पालते हैं तो बदबू तो शरीर में रहती ही है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो किसान से मजदूर से बहुत दूर बचना चाहते हैं और किसान से बात करना नहीं चाहते। जिला प्रशासन से कुछ मांग रहेगी आपकी समस्या के निस्तारण को लेकर? हमारा मांग ये है कि जो ये गरीब लोग हैं 804 हेक्टेयर ज़मीन जो मात्र 3.25 करोड़ रुपए में इनकी ज़मीन छीन ली, इनसे कहा गया कि यहाँ जो पेपर मिल लगेगा और पेपर मिल में इनको रोज़गार मिलेंगे, इनको सरकारी नौकरी मिलेगी, ना इनको नौकरी मिली ना कोई रोज़गार मिला, ये आज भुखमरी के कगार पे लोग हैं। हमारा तो यही प्रशासन से शासन से अनुरोध है कि इनको इनकी ज़मीन या तो वापस कर दी जाए या इनका ज़मीन का भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के अनुसार जो इनका मुआवजा निश्चित कर दिया जाए। कितने समय हो गया ज़मीन ली हुई पूरी ने? 1989 में ज़मीन ली गई थी, 35 साल हो गए ज़मीन को। 35 साल तक अभी तक समस्या का निशान ऐसी कोई साल नहीं हुआ, कोई बराबर इन्हन में को ये जो बिरला ग्रुप है ये जितने भी जिलाधिकारी हैं इनको कहीं ना कहीं दबाने का काम करता है। जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो भागने का काम करते हैं। माननीय जो जिलाधिकारी इनसे पहले जिलाधिकारी बहुत देते उनको सामने हमने बात रखी अपनी, जब वार्ता हुई वार्ता में भग निकले, DM साहब भी भग निकले और बिरला ग्रुप भी भग निकला, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है। ये किसान को ज़बरदस्ती दबाना चाहते हैं और हम किसी भी कीमत पे इसको दबने नहीं देंगे, चाहे इस आवाज़ को हमें माननीय मुख्यमंत्री तक ले जाना पड़े, प्रधानमंत्री तक ले जाना पड़े या दिन रात का आंदोलन करना पड़े। भारतीय किसान चडूनी इनके साथ है, ये पीड़ित किसानों को इतने इनको न्याय मिल नहीं मिल जाता इतना हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और दूसरा जैसे अधिकारी हैं जो ADM सिटी जैसे कितनी ज़मीन है टोटल जो है 804 एकड़ ज़मीन है, कितने किसान इससे प्रभावित हुए? इससे तो कई हज़ार किसान प्रभावित हैं, लगभग 5 गांवों की ज़मीन है और बिरला ग्रुप ने जितना पैसा दिया है उस पैसे से ज़्यादा जो पेड़ हैं वो काट लिए गए हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ और एक तरफ बिरला ग्रुप ने उसमें कई हज़ार पेड़ थे उन पेड़ों को काटने का काम किया है। जो हमारे समरसीले हमारे बोरिंग और थे वो लोहे के सब पाल लिए, 100 करोड़ रुपए के तो कम से कम उन्होंने पेड़ और बोरिंग पाल लिए हमारे। 35 साल से एक लंबी समस्या चल रही है, आज कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ मांगे? ये January 2024 मामला ये जहाँ का है बथुआ खेड़ा का ठाकुरद्वारा तहसील का, ये वहाँ धरना चल रहा, इसमें बार बार ज्ञापन भी दिए, DM साहब से भी मुलाकात हुई, आज का भी प्रोग्राम हमारा DM साहब को भी पता था लेकिन DM साहब उससे पहले ही भाग निकले, ADM साहब को भेजा, ADM साहब ने भी कोई मतलब बहुत उल्टी सीधी बात की किसानों के साथ, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और परसों इन्होंने एक किसानों का प्रतिनिधिमंडल बनाया था जो कि फर्जी बनकर फर्जी किसान आए थे जो सेंचुरी में नौकरी करते हैं, वो लोग DM साहब के यहाँ आए और DM साहब ये नहीं पहचान सके कि ये किसान हैं या इनके नौकर हैं, तो उनके नौकर आए थे उनसे इनकी मुलाकात हुई है। उस आज हमारा 3 तारीख का प्रोग्राम यहाँ पहले से ही लगा हुआ था और 400-400 रुपये के किसान बना गए मजदूरी पर, परसों ला कर इन्होंने यहाँ पेश किए, लगभग ऐसा सुनने में आया कि 40 लोग आए थे, सभी की फ़ोटो हमारे पास आ गई हैं। जिला प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि या तो उनके एफिडेविट लगवाए जाएं या हमारे किसानों के एफिडेविट लगवाए जाएं कि वो फर्जी हैं या ये किसान बैठे हुए जो हैं ये फर्जी हैं।
क्या कुछ समस्याएं हैं किसानों की जो इकट्ठा हुए आज? किसानों की समस्या कोई नई नहीं है, काफ़ी टाइम से समस्या चल रही है और सभी प्रशासनिक अधिकारियों की ये नज़र में है, कोई नया मामला नहीं है। और ये 804 एकड़ भूमि का मामला है जो सर इसने बिरला ग्रुप ने इस भूमि को अधिग्रहण करा था, और इसमें जो 2013 का कानून है उसके प्रति, या तो ये पहले उसमें 5 साल के अंदर अंदर अपना कोई प्रोजेक्ट लगाते, प्रोजेक्ट लगता किसानों को नौकरियां मिलती, किसान खुशहाल होते। अब प्रोजेक्ट भी नहीं लगा, किसान अपनी खेती से भी वांछित हुए पड़े। और इसमें एक मामला ये है कि अगर नहीं लगा तो 2013 का जो बिल है कानून उसके प्रति ये या तो इन किसानों को मुआवजा मिलता दोबारा, नहीं मिला तो इनकी इन्हें ज़मीन वापसी दी जाए। और कोर्ट से भी किसान जीते हुए हैं, कागजी मामले में किसान फिट हैं और इनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। बस ये तो ये है कि प्रशासनिक दबाव में लाके किसान आदमी बोल नहीं सकता, किसान आदमी थोड़ा सा गरीब वर्ग रहता है, पैसे में पीछे रहता है, तो इनके पास पैसा, इस वजह से थोड़ा किसान के ऊपर हावी हो रहे हैं। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन्स स्थित कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में किसानों के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।